वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों, आपके लिए एक खुशखबरी बता देता हूँ कि JEE वाले जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र की जो CET दे रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र के CET देने के बाद आपको पता है महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको नंबर लगता है, कॉलेज मिल सकता है क्या प्राउंड में? क्या JEE वाले स्टूडेंट को भी मिल सकता है क्या? तो मिल सकता है तो कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा, डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके अलावा बच्चों, आपके लिए मैं खुशखबरी ला रहा हूँ कि आप लोगों को अगर CET में अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे नंबर्स लाना है, तो हम लोग आपके लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत खुशखबरी है जिससे आपकी लाइफ यहाँ पे ब्राइट हो सकती है। मैं मुकेश नायक सर और साथ में नून फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 21 डे MHTCET लाइव क्रैश कोर्स होगा। इसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, पास्ट ईयर MCQs, साथ में बच्चों आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, कौन से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में MHTCET में आते हैं, ये सब लाइव इंटरेक्शन होने वाला है। तो बच्चों, फिजिक्स के जो क्लास 12th वाले जो MHTCET 2021 देने वाले, उनके लिए बहुत दिन कम है। इन दिनों का अगर हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी में अगर कन्वर्ट करें तो आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। तो स्टूडेंट, मैं एवरीडे आपके लिए 8 PM टू 9 PM तक हम लोग यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करते हैं। इसमें अनलिमिटेड डाउट हो सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बेस्ट क्वालिटी, लास्ट मिनट तक रिवीजन कैसे दिया जा सकता है ये भी देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन ऑडियो के माध्यम से करवा सकते हो। इससे अलावा भी हम लोग आपको यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड MCQs टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उनको कम समय में कैसे किया जा सकता है ये भी इसमें हम लोग बताने वाले हैं। सबसे मेन बेटा, जो बच्चे साल भर पढ़ाई क्या करें इसको इम्पोर्टेंस है, लेकिन कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने का तरीका इस 21 डेज के क्रैश कोर्स में हम लोग बताने वाले। तो बच्चों, अभी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी इस ग्रुप की, ताकि आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और इसमें ब्रेकआउट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जो कि बच्चों को बूस्टअप दिलाने में बहुत हेल्प होती है। तो चलो बच्चों, हम लोग मिलने वाले अभी कोर्स में। तो चलो, हम लोग JEE के बारे में, जो आपको MHTCET में क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सभी बच्चों बेटा, अभी के अभी आप लोग नून ऐप पे आ जाओ और लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, मजा आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो चलो, आज का डिस्कशन है, क्या महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE मेन से एडमिशन मिल सकता है क्या? तो जवाब है, आंसर है हाँ, लेकिन कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा, डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ में बच्चों, आप लोगों को कौन से कॉलेज में मिलेगा और कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल होती है, कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, फॉर मैनेजमेंट, देखो ये ओनली आपको JEE मेन से प्राइवेट कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ये लागू नहीं होता है। JEE मेन से गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर नहीं लगेगा, जैसे कि COEP, VJTI, औरंगाबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, नासिक का, सॉरी इसके बाद में कराड़ का है ना, जो भी सांगली का कॉलेज है, या यवतमाल का, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आपको JEE से एडमिशन नहीं मिलता है। आई विल रिपीट, फिर सर फायदा क्या? नहीं बेटा, महाराष्ट्र में कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि PICT है, VIT कॉलेज है, PCCUE कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज तो है बट उसका रैंक बहुत अच्छा है बेटा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं गुना अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो डोंट वरी बेटा, आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं कि इसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो, कोई भी एक बैच होती है मैक्सिमम, तो उसमें 60 सीट्स होती बेटा, 60 सीट्स होती है, टोटल 60 सीट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आप बोलेंगे सर, कुछ कॉलेज में तो 120 है, दो बैच है मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट, किसी में 180 है सर, तो 3 बैचेस है। डोंट वरी बेटा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर 60 की एक शिफ्ट रही तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? देखो, प्राइवेट कॉलेज रहा तो मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसमें डोनेशन लिया जाता है और आपकी सीट पक्की की जाती है, वो होता है मैनेजमेंट कोटा, कॉलेज का कोटा होता है, इंस्टीट्यूट कोटा, कॉलेज कोटा, जो भी मैनेजमेंट कोटा, इसके लिए
12 सीट होती है और इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर ओपन में एससी एसटी ओबीसी कोई भी वीजेएनटी डीटी जो भी बैच होगी बेटा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, सबके लिए यहां पे मैनेजमेंट कोटा से डोनेशन। अब कुछ कॉलेज में डोनेशन देने का काम नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि बेटा उस कॉलेज को ज्यादा मतलब फेमस कॉलेज नहीं होगा इसलिए उनको डोनेशन देने की भी जरूरत नहीं होती। तो फॉर मैनेजमेंट कोटा 12 सीट से नो रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, ओपन ओबीसी सब एक जैसे होंगे। कोई कॉलेज में आपको 15 लाख भी भरना पड़ता है, कुछ लोग 1 लाख में काम होता है, कुछ कॉलेज में तो फ्री में लेते हैं क्योंकि उनके पास एडमिशन नहीं होते। मेन इंपॉर्टेंट बात है आज का वीडियो में, जेई मेन से कितनी सीट्स होती है, तो ये होती है 9 सीट्स। अगर 60 की बैच हो तो 9 सीट्स से आपको जेडब्ल्यू मेन का स्कोर पकड़ते हुए, अगर आपको सीट में कम मार्क आते तो जेडब्ल्यू का स्कोर पकड़ के आपको यहां पे ये कॉलेज मिल सकता है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है बेटा, ओके कितने परसेंटेज में पकड़ा जाए तो 15% सीट्स होती है, मैनेजमेंट कोटा 20%। बात समझ में आ रही है, मैनेजमेंट कोटा की 20%, 100 रहे तो 20, लेकिन हमारे 60 है, 60 मतलब 12 सीट्स होंगे, 20% निकालो तो, है ना। और यहां पे 15% है, 9 सीट्स होती बेटा, ओके। बाद में जो सीट्स होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रहा, महाराष्ट्र स्टेट की जो होम यूनिवर्सिटी हो तो इसके लिए 27 सीट्स भरी जाती है। मतलब सर नहीं समझे, देखो होम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है मैं पढ़ रहा हूं पुणे में और मुझे पुणे में ही एडमिशन लेना है, पीआईसीटी वीआईटी पीसीसी कॉलेज एमआईटी कॉलेज, है ना, जो भी कॉलेजेस है। तो मैंने और जो पुणे में पढ़ रहा था वहां पे सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, अगर उसके अंडर आप लोग पढ़ रहे हो पुणे में तो पुणे में एडमिशन लेना है, तो ऐसे बच्चे के लिए 27 सीट्स होंगी, 60 में से 27 सीट्स है। बात समझ में आ रही है, तो ये होम यूनिवर्सिटी होगी बेटा पुणे वाले। हाँ, अदर यूनिवर्सिटी मतलब क्या, मैं औरंगाबाद से पुणे जा रहा हूं तो औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग नांदेड़ से जा रहे हो तो नांदेड़ में एसआरटी यूनिवर्सिटी है, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, है ना। आप लोग अमरावती से जा रहे हो तो अमरावती में संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी है ना, तुकड़ोबा यूनिवर्सिटी नागपुर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। वहां से पुणे में जा रहा है तो उनके लिए बेटा 12 सीट ही अवेलेबल होती है। बात समझो बेटा, मतलब आप होम यूनिवर्सिटी से एडमिशन लोगे तो आपका फायदा क्या है, सीट ज्यादा है तो ऑब्वियसली परसेंटेज कम हो जाएंगे, समझे क्या। इन यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी के लिए ये यूनिवर्सिटी से बच्चे से कम परसेंटेज लगेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस बेटा, ध्यान से सुनो क्योंकि लगता इतना इजी नहीं है वीडियो समझना, देखो आप नादान बच्चे हो बेटा, है ना, समझ में नहीं आते जल्दी से, तो आप लोगों को ये धीमे धीमे हर चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बेटा 27 सीट में से आपको 11 या 12 सीट्स होंगी ओपन के लिए, ओपन जो बच्चे होते हैं ना ओपन कैटेगरी उनके लिए 12। अब बोलेंगे सर 11 या 12 है फिक्स बताओ, बेटा ये ना ब्रांच वाइज डिपेंड होता है। देखो कभी सिविल में 11 है ना, तो मैकेनिकल में 12 होगी, सीएस में 11 होंगी, आईटी में 11 होगी, मतलब वो शिफ्टिंग करते हैं ब्रांच वाइज, तो हो सकता है कम ज्यादा। इसमें एक कंपल्सरी क्या बेटा, 3 लेडीज की सीट्स भरी जाती हैं, मतलब 3 लड़कियां लेना ही पड़ेगी कोई भी हालत में, इस 12 में से, इससे ज्यादा भी है लेकिन लेडीज का कोटा है बेटा उसमें, ओके। ओबीसी के लिए 5 या 6 सीट होंगी, 2 लेडीज के लिए होंगी। एससी के लिए बेटा यहां पे 3 या 4 सीट्स होती है होम यूनिवर्सिटी की, उसमें से 1 लेडीज कंपलसरी है। एसटी के लिए 1, एनटी के लिए 1, वीजे के लिए 3, है ना, डिफेंस कोटा के लिए 1 और फिजिकल हैंडीकैप 1 या 2 सीट्स अवेलेबल होंगी। तो ऐसे 27 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब बच्चों आपको सोचना यह है कि मैं जिस कॉलेज की तैयारी कर रहा हूं उस कॉलेज में मेरे लिए सीट्स अवेलेबल है क्या नहीं है, सोचना पड़ेगा ना, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। नहीं तो हम लोग कर रहे तैयारी, बहुत तैयारी कर रहे, मुझे ब्रांच कौन सी चाहिए, नंबर 1, उस ब्रांच में कितने सारे सीट्स अवेलेबल है और उसमें से मैं होम यूनिवर्सिटी में हूं या अदर यूनिवर्सिटी से हूं। ऐसे नहीं कि सीओपी के लिए सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बेटा ट्राई कर रहे हो लेकिन सीट का डिस्ट्रीब्यूशन तो सीट मैट्रिक्स कहते हैं उसको, सीट मैट्रिक्स नाम होता है, इससे पता लगता है कि मुझे कौन से कॉलेज की तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसमें से एक मैसेज आपके साथ मैं कन्वे करना चाहता हूं कि जेईई मेन से भी आपका नंबर लग सकता है लेकिन ओनली प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जेईई मेन से
आपको एंट्री नहीं मिलती, आपके लिए MHTCET ही कंपलसरी होगा। नेक्स्ट बात करते बेटा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए 12 सीट से, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन 6 या 7 ओपन, 1 या 2 ओबीसी, 1 SC, 1 ST, 1 NT और 1 VG के लिए, टोटल 60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलेंगे सर अगर 180 रहे तो ट्रिपल कर दो इसको, ये 36 होंगी, इसको ट्रिपल करो, इसको ट्रिपल करो, इसको अगर 120 है तो ये 24 होगी, ये 18 होगी, ये 55 होगी, इसमें भी डबल 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 करो, इसमें 24 सीट होंगी। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। एडिशनल सीट होती बेटा ट्यूशन फीस बैच सिस्टम, इसमें से आपको 60 में से 3, मतलब आपको बात समझ में, 5% सीट्स भरी जाती है। इसका फायदा क्या है, जिन बच्चे के पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख के नीचे हो उनको 50% फीस माफ होती है। मतलब 1 लाख फीस है तो आपको 50 भरना पड़ेगा, 90 है तो 45, 80 है तो 40, 70 है तो 35, इस तरीके से फीस आपको माफ होती है। उसके अलावा बेटा इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट होते हैं जो कि 10% सीट अवेलेबल है, इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा एक ओपिनियन है बेटा, कि इसमें ओपन वाले बच्चे ही EWS या ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम, सॉरी ट्यूशन, ये इकोनॉमिकल, ये 50% ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम होती है, ये ओनली एंड ओनली ओपन वाले बच्चे ने फायदा लेना चाहिए। अब बोलेंगे सर क्यों इतनी, मतलब उनके तरफ बात कर रहे हैं, नहीं बेटा आपको SC ST OBC उसमें 100% फीस माफी होती है तो ये क्यों फायदा ले रहे हो। तो इस तरीके से सबसे मेन मैसेज कन्वे करना है सभी बच्चों को कि आपको JEE एडवांस का फायदा, सॉरी मेन का फायदा होता है, एडवांस करोगे तो भैया IIT में चले जाओगे ना, इधर क्या करने वाले। तो सबसे मेन फायदा क्या है, अगर CET में मार्क्स कम भी आते हैं तो भी आपका फायदा हो सकता है JEE का। तो JEE इसलिए देना चाहिए, भले हम लोगों को एडवांस में उसका फायदा नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन बेटा अब देखो बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट तो सबको नहीं मिलने वाला भैया, लेकिन गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटीज कुछ कॉलेज में मिलेगी और फीस भी नहीं लगेगी। कैसे, क्योंकि आपकी फीस बेटा गवर्नमेंट भरता है। बात समझो, आपकी फीस गवर्नमेंट, आप कैप राउंड के थ्रू क्यों जा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट फीस दे रहा है उसका, ये इसीलिए तो इसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट मैट्रिक्स बनाते हैं इसलिए बना जाती बेटा, गवर्नमेंट आपकी फीस भरती यार, बस आपको पढ़ना है अच्छे तरह से, CET की तैयारी करो अच्छी तरह से ताकि आपको MHTCET में अच्छा खासा कॉलेज मिले। इसके बावजूद बेटो अभी भी चांस है, बस चांस के साथ कंटिन्यूटी, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, पास्ट ईयर MCQs करना। बच्चों में मोटिवेशन बहुत सारे करता हूँ, बच्चों को क्यों करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा हमारा महाराष्ट्र के टॉपर बने और अच्छी तरह से पढ़ाई करे, और अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका अगर एडमिशन होता है तो प्लेसमेंट भी अच्छा होता यार, बस धोखा मत देना खुद को, बस इतना बताता हूँ। तो चलो बच्चों शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।